धडा पण तो काल बघितलेला आहे. त्याचे लेखक डॉक्टर अनिल काकोडकर हे खूप मोठे आपल्या भारतातील एक सुप्रसिद्ध अणुशास्त्रज्ञ आहेत आणि ते भारतीय अणुऊर्जा मंडळाचे अध्यक्ष सुद्धा होते आणि त्यांना भारत सरकारचा पद्मविभूषण हा पुरस्कार पण भेटलेला आहे. तर असे हे डॉक्टर अनिल काकोडकर यांनी त्यांचे जे दोन अनुभव त्यांना बार्क येथे जे आलेले आहेत, बार्क म्हणजेच BARC, तर तिथे ते जेव्हा ट्रेनिंग घ्यायला गेले होते त्यांचं शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर, तेव्हा तिथे एक आलेला अनुभव आणि दुसरा अनुभव जेव्हा ते तिथेच पुढे जेव्हा कामावर रुजू झाले इंजिनियर म्हणून, तेव्हा त्यांना आलेला अनुभव, असे दोन अनुभव त्यांनी आपल्याला इथे त्यांच्या या स्कूल वाचनामध्ये या धड्यामध्ये दिलेले आहे. आपने देखा कि कल हमने जो है स्थूल वाचन, ये पूरक पठन जो है मोटे होत असलेल्या मुलांना ये देखा था, उसमें उसके जो लेखक है डॉक्टर अनिल काकोडकर, ये हमारे भारत के बहुत बड़े एकदम फेमस ऐसे जो है साइंटिस्ट रह चुके हैं, अभी भी है वो. और वो जो एटॉमिक एनर्जी जो ये कमिटी है उसके अध्यक्ष भी थे और इन्होंने ये लेटर लिखा है और इस लेटर में ये मैसेज दिया है, संदेश दिया है कि आप जो बड़े अभी हो रहे हो, मोटे मतलब क्या बड़े, जो बड़े हो रहे हैं ये बच्चे, मतलब आप सब सभी बच्चों को उन्होंने अपने इस लेटर में से मैसेज दिया है कि उस मैसेज में उन्होंने ये कहा है कि आप खुद आपका काम खुद करना है, स्वतः से काम स्वतः करावे, नहीं कौन सा भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, कुठल्याही ही मोठ्या कामाची सुरुवात अनेक छोट्या छोट्या कामातून होते, तो जो भी बड़ा काम करना है उसकी शुरुआत तो छोटे छोटे काम से ही होती है, और कौन सा भी काम जो है वो कम ऐसे इसका नहीं होता, उसे कम कम नहीं मानना है, और जो भी है हम खुद जब उसका एक्सपीरियंस लेते हैं तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं. तो इन्होंने जो है अपने दो एक्सपीरियंस यहाँ पे बताया है कि जो बार्क में ट्रेनी एज ए ट्रेनी वहाँ गए थे तो वहाँ पे उनको जो एक्सपीरियंस आया था जब वो ट्रेनिंग के लिए गए थे तब, और उसके बाद जब वो वहाँ ही इंजीनियर एज ए इंजीनियर उनको जॉब लगा तो उनको वहाँ पे जो एक्सपीरियंस आया, ऐसे दो एक्सपीरियंस उन्होंने यहाँ पे बताया है और उससे आपको मैसेज ही दिया है. तो अभी आज हम लोग ये सब तो हमने कल देखा था कि उन्होंने क्या क्या आपको मैसेज दिया है और कैसे उन्होंने आप जो है उनके एक्सपीरियंस बताए हैं. अभी आज हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. आज अपन जो है थे यह धड़ातले जो महत्वाचे असे प्रश्न उत्तर आहेत ते मी तुला ते तुम्हाला मी त्याचं स्पष्टीकरण करून देणार आहे. तो सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न म्हणजे टिपाले. तर सगळ्यांना माहितीच आहे की स्थूल वाचनामध्ये पॅसेज येत नाही, आपल्याला बाकीचे कसे धड्यांमध्ये उतारे येतात, पॅसेज येतात, तसं स्थूल वाचनामध्ये येत नाही, डायरेक्ट आपल्याला प्रश्न येतात आणि त्याचे उत्तर आपल्याला लिहायचे असतात. आणि एक प्रश्न 3 मार्काला असतो, असे आपल्याला 2 प्रश्न लिहायचे असतात, 6 मार्काचे हे स्थूल वाचन आहे. ते जे प्रत्येक विभागामध्ये एक 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 स्थूल वाचन आहे तर त्याच्यामधले जे महत्वाचे प्रश्न आहे ते सगळे करून ठेवायचे, कारण की कोणतेही येऊ शकतात आणि त्या कोणत्या ह्याच्यामधले आपल्याला ते 2 लिहायचे आहेत. तर ह्यातला पहिला जो आहे महत्वाचा प्रश्न टिपालिहा. टिपालिहा म्हणजेच काय, शॉर्ट नोट जे आहे ते आपल्याला लिहायचे आहे. तर ह्याच्यामध्ये दोन्हीही विचारले जातात, बार्क आणि डॉक्टर होमी भाभ, दोन्ही पैकी एक नाही लिहायचे, दोन्ही लिहायचे, कारण की त्या प्रश्नामध्येच असतं की टिपा लिहा आणि असं दोन्ही बार्क आणि डॉक्टर होमी भाभा असं दिलेलं असतं. काय काय मुलं काय करतात विद्यार्थी की फक्त एकच लिहितात, एकच नाही तर दोन्ही लिहायचे, तर दोन्ही लिहिलं तर 3 मार्क आहेत. तर बार्क म्हणजेच काय हे त्याच्यामध्ये लिहायचं आहे. बार्कचं फुल फॉर्म काय आहे, तर बार्क हे लघु रूप आहे, शॉर्ट फॉर्म मध्ये ते दिलेलं आहे ना. आता त्याचा फुल फॉर्म काय आहे, परत त्याचं काय काम केलं जातं काय, तर बार्क विषयी सगळी माहिती आपल्याला त्या शॉर्ट नोट मध्ये लिहायची आहे. बार्क हे भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर
म्हणजे भाभा अणुसंशोधन केंद्र या नावाचे लघुरूप आहे. आता बार्क हे काय की भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर, आता हे इंग्लिश मध्ये दिलेलं आहे नाव, आणि त्याच्याच मराठी मध्ये काय दिलंय की भाभा अणुसंशोधन केंद्र, म्हणजेच भाभा हे डॉक्टर होमी बाबांचं नाव आहे ते दिलेलं आहे. आणि ऑटोमिक म्हणजेच काय, तर जो अणुसंशोधन असतात यानी रिसर्च म्हणजे संशोधन, आणि केंद्र म्हणजे सेंटर. तर भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर म्हणजेच भाभा अणुसंशोधन केंद्र या नावाचे लघुरूप आहे. डॉक्टर होमी भाभा यांनी भारतातील अणुसंशोधनाचा पाया घातला. आता याचे मेन जे आहेत फाउंडर, की ह्याचा पाया कोणी घातला, तर ते त्यांचं नाव लिहिणं महत्वाचं आहे. डॉक्टर होमी भाभा हे त्याचे जे आहेत त्याचा त्याने अणुसंशोधनाचा पाया घातलेला आहे, तर त्यांचं त्यात लिहिणं महत्वाचं आहे की डॉक्टर होमी भाभा यांनी भारतातील अणुसंशोधनाचा पाया घातला. जो डॉक्टर होमी भाभा थे उन्होंने हमारे भारत में पहला जो है कि ऑटोमिक रिसर्च वो करना चाहिए, और वो साइंटिस्ट थे तो उन्होंने ये पहला जो है वो फाउंड किया है, तो फाउंडर हुए डॉक्टर होमी भाभा, इसलिए उनका ही नाम इस रिसर्च सेंटर को दिया गया है. त्यांची आठवण म्हणून त्यांचे नाव या संस्थेला दिलेले आहे. तो उनकी याद में जो है ये नाम, उनका ही नाम ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको दिया गया है, BARC को. ही संस्था आता प्रचंड मोठी झालेली आहे. अणुसंशोधनाच्या क्षेत्रात कार्य करू पाहणाऱ्या अनेक नवीन मुलांना तेथे कार्य करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जाते. अनेक मुले इथल्या ट्रेनिंग स्कूलमध्ये संशोधन करत असतात, योग्य प्रशिक्षण घेऊन स्वतःला सक्षम करून स्वतःचे मार्ग शोधून पुढे जातात, आपले उज्ज्वल भविष्य घडवत असतात. तो इथे काय सांगितलंय की जे नवीन मुलं आहेत, जे म्हणजे ज्यांना संशोधन करायचं, रिसर्च करायचं आहे, त्यांना पुढे जाऊन शास्त्रज्ञ म्हणायचंय, साइंटिस्ट जिनको बनना है, तो वहां पे ये जो स्टूडेंट्स है वो आते हैं, और यहाँ जो ट्रेनिंग स्कूल है वहां पे वो रिसर्च का काम करते हैं, और ये जो है यहाँ पे उनको सिखाया जाता है कि कैसे रिसर्च करना है. तो उस सबकी ट्रेनिंग दी जाती है और उनको एकदम सक्षम बनाया जाता है. सक्षम मतलब उनके काम में एकदम जो है एकदम परफेक्ट बनाया जाता है, तो स्वतः से मार्ग शोधन पे पूरे जाता है. तो यहाँ पे जो ये बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं, तो खुद अपना जो है वो रास्ता चुनकर फिर आगे वो फिर जो है अपना काम जो है वो पूरा करते हैं, और उनका जो भविष्य है, फ्यूचर है, वो यहाँ पे आकर एकदम ब्राइट हो जाता है. जिनको साइंटिस्ट बनना है इनके लिए ये है. तर इथे यांनी BRC चं जे काही काम आहे, BRC चं सगळ्यात आधी जे पूर्ण नाव लिहायचंय, त्यानंतर मग इंग्लिश मधून परत मराठीत जे आहे त्याला काय म्हटलं जातं ते सगळं लिहायचंय. त्याचे मेन जे होते फाउंडर डॉक्टर होमी बाबा यांचा यात उल्लेख आलाच पाहिजे. त्यानंतर याच्यामध्ये काय केलं जातं, तर रिसर्च केलं जातं, संशोधन केलं जातं. तर ते संशोधनाचं जे आहे ते काम ते इथे लिहायचंय. या ट्रेनिंग स्कूलमध्ये रिसर्च करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिकवलं जातं, त्यांना प्रशिक्षण दिलं जातं की कसं रिसर्च करायचंय, त्यांना पुढच्या त्यांच्या भविष्यासाठी इथे ट्रेनिंग दिलं जातं, प्रशिक्षण दिलं जातं. तर हे असं बार्क या विषयी आपल्याला टिपांमध्ये लिहायचं आहे, बार्कची माहिती. आता दुसरं जे आहे डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर होमी भाभा हे यांच्या विषयी याच्यामध्ये सगळी माहिती जेवढी देता येईल तेवढी द्यायची आहे. डॉक्टर होमी बाबा यांनी भारतातील अणुसंशोधनाचा पाया घातला. भारतातील अणुसंशोधन केंद्राला त्यांचेच नाव दिले आहे. ही संस्था बार्क भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर म्हणजेच भाभा अणुसंशोधन केंद्र या नावाने ओळखली जाते. तो जो डॉक्टर होमी बाबा थे उन्होंने हमारे भारत में जो है ऑटोमिक रिसर्च का ये पहला जो वर्क है वो उन्होंने स्टार्ट किया है, तो उनको फाउंडर कहा जाता है. फिर इसका इनका ही नाम ये जो है ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको दिया गया भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर, और उसे फिर से मराठी में भी लिखा है कि भाभा अनुसंशोधन केंद्र या नावाने ओळखले जाते. अनेक मुले मुली
इथल्या ट्रेनिंग स्कूलमध्ये संशोधन करत असतात. या शिक्षण घेणाऱ्या मुलांना भेटायला, त्यांना प्रोत्साहित करायला डॉक्टर होमी बाबा नेहमी तिथे येत असत. डॉक्टर होमी बाबा म्हणजे प्रचंड स्फूर्तीदायक असे व्यक्तिमत्व होते. लेखक स्वतःच ट्रेनिंग स्कूलमध्ये शिक्षण घेत असताना डॉक्टर भाबा 3-4 वेळा स्वतः तिथे आले होते. त्यावेळी स्वतःला सक्षम कसे करावे, ऊर्जा कशी मिळवावी, स्वतःचे मार्ग कसे शोधावेत यासाठीचे त्यांचे मार्गदर्शन लेखक डॉक्टर अनिल काकोडकर यांच्यासाठी फारच महत्वाचे ठरले होते. तर इकडे त्यांनी जे आहे पहिल्यांदा डॉक्टर होमी बाबा यांचा परिचय दिलेला आहे, आणि त्यानंतर पुढे त्यांनी ज्या ट्रेनिंग स्कूलमध्ये जेव्हा डॉक्टर अनिल काकोडकर जे लेखक आहेत ते जेव्हा होते तेव्हा डॉक्टर होमी बाबा तिथे त्यांना भेटायला त्या विद्यार्थ्यांना यायचे ट्रेनिंग स्कूलमध्ये. तर त्यांना बघून ते कसे कसे व्यक्तिमत्व होते ते समजलं त्यांना, की ते एकदम स्फूर्तीदायक होते. स्फूर्तीदायक म्हणजेच काय, एनर्जेटिक. त्यांना बघूनच अशी एनर्जी यायची, डॉक्टर होमी बाबा असे एवढे स्फूर्तीदायक असे दिसणारे आणि होतेही ते व्यक्तिमत्व त्यांचं. तर ते त्यांनी लिहिलेलं आहे. आणि तेव्हा ते त्यांना सांगितलं, त्यांनी ते डॉक्टर होमी बाबांनी जे ह्या विद्यार्थ्यांना सांगितलेलं आहे ते लिहिलेलं आहे थोडस, की आपण स्वतःला कसं सक्षम करा, की खुद को कैसे हमें सक्षम मतलब परफेक्ट बनाना है, और खुद का काम कैसे परफेक्ट करना है, और कैसे हमें खुद की एनर्जी खुद को ही डेवलप करनी है, और खुद का जो रास्ता है हमें आगे जाके क्या बनना है तो हमें वो खुद ही डिसाइड करना है. और ये जो है ये सब जब डॉक्टर अरिंद काकोडकर वहां पे ट्रेनिंग ले रहे थे तो डॉक्टर होमी बाबा जब उनसे मिलने आते थे सभी स्टूडेंट्स को वहाँ के जो ट्रेनिंग ले रहे, तो वहाँ वो उनको जो जो मैसेज उन्होंने दिया तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है उस शॉर्ट नोट में. वैसे डॉक्टर होमी बाबा जो थे इनके बारे में या इस शॉर्ट नोट में आपको लिखना है. सक्षम का मीनिंग तरबेज भी होता है, कि जो अपने काम में एकदम तरबेज होता है, परफेक्ट होता है. तो ऐसे आपको खुद को बनाना है. तो यहाँ पे यही मैसेज जो है डॉक्टर होमी बाबा ने इन ट्रेनिंग के लिए जो आए थे स्टूडेंट्स उनको दिया है. तो ये इस शॉर्ट नोट में आपको लिखना है. तो ऐसे ये दो शॉर्ट नोट के लिए 3 मार्क्स है, बार्क और डॉक्टर होमी बाबा. ये दोनों में से जो है दोनों भी लिखना है. क्वेश्चन ही ऐसे होता है कि टिपा लिया आणि दोन्ही दिलेला असतो. अब सेकंड क्वेश्चन ये बहुत इम्पॉर्टंट है. मैंने कल भी आपको कहा था, काय इज द लिमिट, ही परिस्थिती केव्हा निर्माण होऊ शकते हे पाठाच्या आधारे लिया. कि ये जो उन्होंने सेंटेंस बोला गया था कि काय इज द लिमिट, तो ये ऐसी सिचुएशन कब होती है, तो ये आपको जो है इस लेसन के थ्रू ये एक्सप्लेन करना है. ये सब यहाँ पे उस लाइनिंग का मीनिंग क्या है, वो कब बोली गई थी, तो ये भी लिखना है सब. तो बघा उत्तर आता, लेखक बार्क संस्थेत ट्रेनिंग स्कूलला गेले होते तेव्हा ती संस्था सुरू होऊन जेमतेम 7 वर्ष झाले होते. लेखक ट्रेनिंग स्कूलला असताना होमी बाबा 3-4 वेळा तिथे आले होते. एकदा लेखकाने त्यांना विचारलं, आम्ही इतकी मुलं मुली आहोत पण सर्वांना पुरेल इतकं काम कुठे आहे इथे, तेव्हा ते म्हणाले, तुम्ही त्याची काळजी न करता सर्वजण संशोधन करा. त्यासाठी सरकारला किती खर्च येतो याचा आत्ता विचार करू नका, तुम्ही स्वतःचं काम निर्माण करा. बॉसने सांगितले तेवढंच काम करायचं आणि सांगितलं नसेल तर आपल्याला कामच नाही असं समजायचं, हे चूक आहे, ही प्रवृत्ती गेली पाहिजे. तो पहिला क्या है कि जब लेखक बार्क इस ट्रेनिंग स्कूल में इस ऑर्गेनाइजेशन में जब ट्रेनिंग ले रहे थे तो वो जो थी बार्क बीएससी वो एकदम जस्ट स्टार्ट हुई थी, 7 इयर्स हुई थी. अभी तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन तब की बात है. तो उस वक्त जो है वो इतनी मतलब नई थी, तो इसलिए 7 साल ही उसे हुए थे. तो वहां पे ट्रेनिंग लेते वक्त डॉक्टर होमी बाबा वहाँ बच्चों से स्टूडेंट से मिलने के लिए 3-4 बार आए थे.
तो वहां पे जो है डॉक्टर अनिल काकोडकर जी ने उनको क्वेश्चन पूछा, डॉक्टर होमी भाभा को, कि ये सब हम जो बच्चे हैं ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं, ये सब 100 बच्चे थे, सब गर्ल्स बॉयज मिलाकर। तो उन्होंने बोला कि अभी इन सबके लिए, हम सबके लिए यहाँ पे काम क्या कहाँ पे है, हमें तो रिसर्च करना है, लेकिन यहाँ रिसर्च का इतना काम तो है नहीं। तो वहाँ पे उस वक्त जो है डॉक्टर होमी भाभा ने जो उनको आंसर दिया कि आप लोग जो है आपका काम करो, बाकी कुछ मतलब जो है चिंता करने की जरूरत नहीं है, और आप अपना जो है रिसर्च का काम करते रहो, और उसके लिए गवर्नमेंट को कितना खर्च आता है, कितने पैसे जाते हैं वो मत देखो, आप अपना काम करो और तो खुद का काम खुद डेवलप करो। आपका काम क्या है, रिसर्च करना, तो रिसर्च जो है आप खुद किस चीज की रिसर्च करनी चाहिए, क्या करना है, आप वो खुद आपका काम जो है वो डेवलप करो। स्वतः सा काम निर्माण करा मतलब क्या, कि खुद का काम आपको खुद को ही डेवलप करके तैयार करके वो करना है। और जो है यहाँ पे एक मैसेज उन्होंने ये दिया कि सब जो ज्यादातर जो जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं कि जो सीनियर्स जो बोलते हैं उतना ही करेंगे, और बाकी जो है वो खुद से कुछ भी काम नहीं करते। तो यहाँ पे वही लिखा है कि बॉस ने सांगितलं तेवढंच काम करायचं, आणि सांगितलं नसेल तर आपल्याला कामच नाही असं समजायचं, कि जो भी बॉस जो बोलेंगे, जो भी ऊपर के जो ऑफिसर्स है वो बोलेंगे और उतना ही काम करेंगे, बाकी वो नहीं बोलेंगे तो ऐसे ही बैठेंगे। तो ये ऐसा नहीं करना है, तो ये जो है ये गलत है, ये उन्होंने उनको बताया कि आपको खुद को जो भी काम दिख रहा है खुद को करना है, कोई बताएगा उसकी राह नहीं देखनी, मुझे ये काम देंगे वो आकर ये बताएंगे, ऐसे नहीं। तो जो वहां पर दिख रहा है वो काम आपको करना है। तहेज जे आहे डॉक्टर होमी भाभा ने त्यांना सांगितलेलं होतं तेव्हा, बॉस ने सांगितलं तेवढंच काम करायचं, आणि सांगितलं नसेल तर आपल्याला कामच नाही असं समजायचं, हे चूक आहे, की प्रवृत्ती गेली पाहिजे। तो ये जो है ये गलत है, तो ये जो स्वभाव है, ये नेचर है, ये जाना चाहिए, और ये जब ऐसे होगा तो ही हमारी जो है डेवलपमेंट हो सकती है। सेकेंड पैराग्राफ में देखो कि भाभा ने सांगितलेल्या या मुद्द्यातून लेखकांनी स्वतःचा स्वतःच स्वतःला सक्षम बनवले, त्यातूनच त्यांना ऊर्जा मिळवता आली आणि स्वतःचे मार्ग शोधता आले। तो जो ये डॉक्टर होमी बाबा ने उनको जो मैसेज दिया था, वो जो लेखक है डॉक्टर अनिल काकोडकर, उनके मतलब वो मन में एकदम वो संदेश एकदम पक्का ये हो गया, और उन्होंने खुद अपने आप को खुद डेवलप किया, एकदम सक्षम तरबेज बनाया, और उन्हें अपनी एनर्जी खुद जो है उनको लगा कि मुझे अपनी एनर्जी खुद को ही जो है वो डेवलप करनी है, और खुद का रास्ता खुद चुनना है, स्वतःचे मार्ग अपन स्वतःच आपल्याला शोधता आले पाहिजे। आणि यावरूनच लेखकांना कळले की आकाशाला कितीही मोठी पोकळी असली तरी आपण स्वतःचा मार्ग स्वतःच कोणाचाही आधार न घेता सततच्या प्रयत्नाने शोधला तर तोही मिळतोच, अशा वेळी स्काय इज द लिमिट अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते। तो जो लेखक है उनको खुद को ही ये रियलाइज हुआ कि जब ऐसे हम खुद का ही जो है काम खुद करते हैं, और जो है हमें क्या करना है आगे जाकर फ्यूचर में, या अगर हमें सही रास्ता उसका पता चल गया तो उस रास्ते से जो है हम जो जो काम पड़ता है वो करते हैं। तो ये किसी का मतलब उस वक्त हम किसी का भी सपोर्ट नहीं लेते हैं, वो हमें खुद को ही करना है। तो जब ये सब पता होता है तो उस सिचुएशन को ही ये कहा गया है कि स्काई इज द लिमिट। स्काई मतलब क्या, कि आकाश। तो आकाश कैसे है कि उसे हम गिन नहीं सकते, अनलिमिटेड है, इतना बड़ा है। तो वैसे ही जब ये ऐसी हमें अपने बारे में ये खुद रियलाइज होगा कि हम हमारा काम खुद करके हम फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो भी हमने डिसाइड किया है, हमारा एम क्या है, मुझे ये बनना है, तो उसके लिए हमें खुद को ही जो है किसी का सपोर्ट न लेते हुए खुद अपना जो है हार्ड वर्किंग से, और ये जो है प्रैक्टिस से ही होगा। तो ये जब करते हैं तो ये ऐसे सिचुएशन आती है
स्काई इज द लिमिट, मतलब क्या कि सब ये जो है हमारा ही है, तो हमको जो है ये ऐसे स्काई इज द लिमिट की परिस्थिति निर्माण हो सकते, अच्छा वही स्काई इज द लिमिट की परिस्थिति निर्माण हो सकती। स्काई इज द लिमिट मतलब क्या कि जो है जैसे आसमान को कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, वैसे ही जब हम खुद को खुद की हमारे डेवलपमेंट करेंगे, खुद अपने आप को जो है एकदम डेवलप करेंगे, सक्षम बनाएंगे, तो ही ये ऐसे सिचुएशन आ सकती है। तो ये यहाँ पे सब ऐसे ये लिखकर ये मेंशन करना है। उसके बाद जो है सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, मेटलाइजिंग प्रक्रिया वर काम न होने मागचे कारणे कोणती असावीत असे तुम्हास वाटते। तो ये भी क्वेश्चन, ये जो शॉर्ट नोट और ये स्काई इज द लिमिट, ये दोनों क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन और ये जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, लेकिन हम यहाँ पे सब एक्सप्लेन करके देखते हैं। तो थर्ड वाला जो है मेटलाइजिंग प्रक्रिया, तो उसके जो है काम न होने मागचे कारणे कोणती असावीत असे तुम्हास वाटते। तो जो काम है वो उसके न काम नहीं होने की जो भी रीजंस है वो यहाँ पे लिखने हैं। लेखक ट्रेनिंग स्कूल मधील प्रशिक्षण संपूर्ण बार्क मध्ये इंजिनियर म्हणून जॉईन झाले, तेव्हा ते मेटलायझिंग प्रक्रियेवर काम करायला त्यांना सांगण्यात आले। त्यासाठी लागणारी सामग्री तिथे होती, पण आतापर्यंत ती कोणीही वापरलेली नव्हती, त्यामुळे लेखक म्हणाले की ते काम करण्यास तयार आहेत, केवळ त्यांना मदतीसाठी एक वेल्डर आणि एक फोरमनची गरज आहे। त्यावेळी त्यांना नकार देण्यात आला। आपल्याला स्वतःलाच सगळे करावे लागेल असेही सांगण्यात आले। वरिष्ठांची आज्ञा म्हणून लेखकाने सुरुवात केली। बरीच धडपड करून लेखकाने ते काम पूर्ण केले। मग वरिष्ठांकडून या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवण्यात आली, हे करूया ते करूया असं बरेच काही 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 बोलले गेले। नंतर वरिष्ठांनी लेखकांना विचारले की आत्ता सांगा तुला काय पाहिजे, तुला वेल्डर मिळेल, फोरमन मिळेल, आणखी काही हवे असेल तर तेही मिळेल। त्यावेळी लेखक म्हणाले की मला आता काहीच नको, मी स्वतःच सगळे काम करेन। त्यावेळी लेखकांना सांगण्यात आले की काम सुरू करण्याआधीच लोक वेगवेगळ्या मागण्या करतात, आणि त्यांच्या या वृत्तीमुळे मेटलायझिंग प्रक्रियेवर काम अजिबात झालेले नव्हते। स्वतःला काम करता येत नसताना दुसऱ्यांवर काम ढकलण्याच्या प्रक्रियेमुळेच मेटलायझिंग प्रक्रियेवर काम सुरू झालेले नव्हते असे मला वाटते। तो ये जो है लेखक जब ट्रेनिंग स्कूल में गए थे, तो उसके बाद वो ट्रेनिंग उनकी जो फिनिश होकर वो वहाँ ही जो है बार बीआरसी में ही इंजीनियर जो है एज ए इंजीनियर वो ज्वाइन हुई जॉब के लिए। तो वहाँ पे जो मेटलाइजिंग प्रक्रिया होती है, मेटलाइजिंग प्रक्रिया मतलब मैंने आपको कल बताया कि जो जो चीज होती है उसके ऊपर जो मेटल का जो है उसे कोटिंग देना। मेटलाइजिंग मतलब क्या, अ टेक्निक ऑफ कोटिंग मेटल ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो उसको उस जो प्रोसेस को मेटलाइजिंग प्रोसेस बोलते हैं, प्रक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो है उनको डॉक्टर अनिल काकोडकर जो लेखक है वो इंजीनियर थे, तो उनको ये काम दिया गया। तो उन्होंने वो काम जो है वो करने से पहले ही उन्होंने मांग की, डिमांड की कि मुझे एक वेल्डर भी चाहिए और एक फोरमन भी चाहिए। वेल्डर मतलब जो वेल्डिंग करता है वो पर्सन, और फोरमन मतलब उन सब जो वर्कर्स का जो हेड होता है, मतलब ये दोनों भी पोस्ट है जो, तो ये लोग उनको चाहिए थे। तो उनको जो है उनके सीनियर ऑफिसर्स ने कहा कि आपको कोई भी नहीं मिलेगा हेल्प के लिए, ये काम आपको खुद को जो है खुद करना है। तो ऐसे जब वो बोले तब उन्होंने सोचा कि ठीक है मैं कर लेता हूँ, तो उन्होंने वो किया। और उसके बाद जो है फिर वो उनके सीनियर्स आए, तो उन्होंने बोला कि अभी बोलो कि आपको क्यों कौन कौन चाहिए, किन किन की मदद चाहिए, हेल्प चाहिए। तो मैं वेल्डर चाहिए, फोरमैन चाहिए, जो भी चाहिए मैं जो तो आपको दे देता हूँ। लेकिन तब वो क्या बोले कि अभी मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो मैं जो है खुद अपना काम कर लूंगा। तो यही यहाँ पे बताया है कि पहले क्या होता है कि काम शुरू करने से पहले ही डिमांड होती है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो ऐसा नहीं करना है। तो खुद वो पहले काम करना स्टार्ट करना है,
और जब वो काम करना स्टार्ट होगा तब समझ में आएगा, तो जो एक्सपीरियंस मिलेगा। तो अभी वो इंजीनियर थे लेकिन उनको खुद को काम आना चाहिए, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड हो रहे थे, वेल्डर या फोरमैन के ऊपर, तो वो काम कभी भी नहीं होता। और वो खुद को उनको काम आना चाहिए तो ही वो दूसरों को काम बता सकते हैं। अगर हम खुद को ही कुछ काम नहीं आ रहा है और दूसरों को हम काम बता रहे हैं तो गलत बात है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि ये जो है ये ऐसे ये जो स्वभाव नेचर होता है लोगों का कि काम शुरू करने से पहले ही वो अलग अलग डिमांड करते हैं, तो ये गलत है। और इसी वजह से ये मेटलाइजिंग प्रक्रिया जो है, ये मेटलाइजिंग प्रोसेस, ये काम नहीं हो पाया था, ये पहले उसका ये रीजन है। और दूसरा क्या है कि वो खुद जो है खुद का काम पहले खुद स्टार्ट करना है, स्वतःला काम करता येत नसताना दुसऱ्यांवर काम ढकलण्याच्या प्रक्रियेमुळे मेटलायझिंग प्रक्रियेवर काम सुरू झालेले नव्हते असे मला वाटते। तो जो काम सुरू करने से पहले ही वो दूसरा करेगा इसकी राह देखना कि नहीं मुझे वेल्डर चाहिए, फोरमैन चाहिए, वो काम वो स्टार्ट करेंगे, मेटलाइजिंग जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे, तो ये सोचना ये गलत है। तो इसी सोच की वजह से ये जो है ये मेटलाइजिंग जो प्रोसेस का जो ये वर्क था वो हुआ नहीं था अभी तक। तो ये इसके रीजन थे। तो यहाँ पे लिखना है कारण काय काय होती, मुझे उसका है कि काय रीजन होता, क्या ये थे रीजंस की वो काम शुरू नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाला। आधी केले मग सांगितले या युक्तीची यथार्थ स्पष्ट करा। अभी ये जो बोला गया है कि आधी केले मग सांगितले, तो इसका जो है ये सब एक्सप्लेन करना है ऐसे क्यों बोला गया है? तो इसका आंसर देखो, महाराष्ट्राला संतांची फार मोठी परंपरा लाभली आहे। आधी केले मग सांगितले या उक्तीप्रमाणे सर्व संतांनी कार्य करून दाखवले आहे। उदाहरणे द्यायची तर संतांनी प्राण्यांवर दया करण्याचा संदेश आपल्याला अभंगातून फक्त दिला नाही, संतांनी ते करूनही दाखवले। संत नामदेव भुकेल्या कुत्र्याच्या मागे तुपाची वाटी घेऊन धावत गेले। संत एकनाथांनी भर उन्हात तडफडत असणाऱ्या गाढवाला काशीहून आणलेल्या गंगेचे पाणी पाजून तमाच्या पुढे एक नवा आदर्श ठेवला। तर इकडे जे आहे आपल्याला संतांचं उदाहरण दिलेले आहे, जे महाराष्ट्रामध्ये जे संत होऊन गेलेले, महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्राला आपल्या जे आहे संतांची खूप मोठी परंपरा लाभलेली आहे। तर संतांनी कसं की आधी केलं आणि मग सांगितलं, मतलब क्या की पहले बोला और फिर जो है पहले किया और फिर वो बताया है लोगों को। अभी कोई कोई जो है कैसे होते हैं हमारे समाज में लोग कि सिर्फ बोलते हैं और करते कुछ नहीं, मतलब सिर्फ दूसरों को क्या करते हैं एडवाइस करते हैं कि ये करो वो करो, लेकिन वो खुद तो वो करते नहीं। तो ऐसा नहीं करना है, तो पहले आप खुद अपने आप को खुद वो करना है और फिर दूसरों को बताना है ये ऐसे करो या नहीं करो। तो यहाँ पे ये संत जो थे हमारे महाराष्ट्र के, तो उनकी एग्जाम्पल्स दी गई है कि संत जो है उसमें पहले संत नामदेव जो थे कि उन्होंने अपने अभंग में क्या बताया कि जो भी एनिमल्स हैं, जो प्राणी जो है उन उनके जो है उनके ऊपर दया दिखानी है, उनको प्यार करना है, तो उन्होंने वो खुद किया है। तो जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि जो कुत्ता था उसके पीछे वो लोग जो है संत तुकाराम, संत नामदेव थे, वाटी घेऊन धावत गेले, तो उनको उसको खाना देने के लिए वो खुद वो भाग कर गए। उसके बाद जो है संत एकनाथ जी का यहाँ पे उदाहरण दिया है कि संत एकनाथ जी थे वो जो प्यासा जो कौवा था उसको उन्होंने गंगा नदी का पानी पिलाया, जो काशी से उन्होंने लाया था वो पानी पिलाया, और सब जो है वहाँ उस वक्त की जो लोग थे उनके फुड़े उनके आगे जो एक एग्जाम्पल रखा कि वो चाहे वो बर्ड्स हो या इंसान हो सबके लिए पानी तो समान है। तो वो पानी जो है उसको पिलाकर उन्होंने वो जो सबके लिए एक ऐसे आदर्श रखा है कि हमें जो है
एनिमल्स और बर्ड्स के ऊपर जो प्यार करना चाहिए उनकी भी केयर करनी चाहिए। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट देखो, राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज, वह थोर समाज सेवक, वह समाज सुधारक गाडगे महाराज यांनी स्वतःच आधी हातात झाडू घेऊन गावातील केरकचरा दूर करण्यापासून ते विष्ठा उचलण्याची कामे केली, देवाच्या नावाने कर्मकांड करण्यापासून अडवले, मूर्तीपूजा न करता गोरगरीब मानवाची पूजा करा, त्यांची सेवा करा, हे लोकांना आपल्या कीर्तनाच्या माध्यमातून पटवून दिली। तर पुढे त्यांनी उदाहरण दिलंय की जे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज होते त्यांचं, आणि थोर समाजसेवक आणि समाजसुधारक गाडगे महाराज, तर त्यांनी स्वतः आधी हातात झाडू घेतला। मीन्स जो गाडगे महाराज ये संत थे तो उन्होंने खुद जो है अपने हाथ में पहले झाड़ू लिया है और खुद जो है वो कचरा निकालना या जो साफ सफाई का काम है वो खुद किया है, और ये खुद जो उन्होंने किया फिर वो बाकी लोग जो है उनको देखकर उनको समझ में आया कि नहीं या ये काम हमें भी करना चाहिए। और जो है भगवान की पूजा जो है वो करने से मतलब उनको मूर्ति पूजा वो मान्य नहीं थी, तो उनको उन्होंने ऐसे वो संदेश दिया था कि भगवान की पूजा करने से अच्छा गोर गरीब जो है मतलब जो गरीब लोग हैं उनकी पूजा करो। अभी उनकी पूजा करना मतलब क्या, उनकी हेल्प करना। तो जो मानव सेवा है, मानव सेवा मतलब ह्यूमन सर्विस, कि जो ऐसे लोग हैं समाज में जिनको हमारी जरूरत है, जो गरीब है या अनाथ है या जो अपंग है, तो उनको हम जो है हेल्प करनी चाहिए, तो यही भगवान की सेवा हो जाएगी। अभी भगवान की पूजा करते हैं लोग लेकिन वो भगवान तक पहुंचती ही नहीं है, तो जो समाज में ऐसे जो लोग हैं अगर उनकी हम हेल्प करेंगे तो वही भगवान की सेवा हो गई। तो मानव मानव सेवा ही ईश्वर सेवा की त्यांनी मान ली आणि त्यांनी स्वतः त्याआधी सुरुवात केली त्या कामाची, आणि मग लोकांना आपल्या कीर्तनाच्या माध्यमातून पटवून दिली। अभी वो जो कीर्तन करते थे वो जो सबको जो है सोशल अवेयरनेस के लिए ये मैसेज देते थे, तो उन्होंने खुद ये पहले किया है कि साफ सफाई का काम हो या जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा करने का काम हो, तो उन्होंने खुद किया है। नहीं तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ लोगों को सिर्फ मैसेज दिया कि ये करो वो करो लेकिन खुद तो कुछ नहीं किया है, ऐसे नहीं। तो ये सब संत जो थे इन्होंने पहले करके दिखाया, वो काम किया और फिर लोगों को अपने अभंग में अपने जो है कीर्तन देते थे उसमें लोगों को जो है ये मैसेज दिया है, और उस वक्त सोशल अवेयरनेस करने का काम ये जो संत थे उन्होंने किया है। बाबा आमटे, अभी देखो बाबा आमटे इनका एग्जाम्पल तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बाबा आमटे हे ही आधुनिक काळातील अष्टसंतच म्हटले पाहिजेत। रस्त्यावर महारोग होऊन पडलेल्या तुळशीरामला पाहून त्यांच्या मनात कुष्ठरोग्यांच्या बद्दल सेवाभाव जागृत झाला व त्यातूनच चंद्रपूर येथे आनंदवनाची निर्मिती झाली। त्यांनी केलेल्या कामाची दखल घेत पाश्चात्य देशांनी त्यांना पुरस्कृतही केले। या सर्व उदाहरणातून आधी केले मग सांगितले या युक्तीची सार्थकता स्पष्ट झाल्यासारखे वाटते। तो लास्ट एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया है, बाबा आमटे। तो बाबा आमटे ये जो सोशल वर्कर थे तो ये यहाँ अभी जो है मॉडर्न टाइमिंग के वो एक संत ही माने गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुष्ठ रोगी थे जो लेप्रेसी जिनको हुई थी, तो ऐसे लोग थे तो उनको घर से कुछ को ही निकाला था ऐसे लोगों को, तो ये इन लोगों के लिए उन्होंने वर्क की जो है बाबा आमटे का ये जो वर्क है वो उन्होंने किया। और आनंदवन ये जो उनका आश्रम है चंद्रपुर में वो उन्होंने शुरू किया, और वहाँ पे उन ऐसे सब लोगों की सेवा की जो ये कुष्ठ रोगी थे जिनको कोढ़ हुआ था, लेप्रेसी जिनको हुई थी, तो ऐसे जो लोग थे उनको खुद के घर वालों ने ही घर से निकाला था, लेकिन ये बाबा आमटे इन्होंने उनको संभाला और उनकी जो है सेवा की है। तो ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया, और इनका इस काम का जो है जो फॉरेन कंट्रीज थे उन्होंने भी इस काम का जो है उनको सराहा है और उनको प्राइज वगैरह मिले हैं बहुत सारे। तो ये सब जो है एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से ही ये एक्सप्लेन किया है कि आधी केले मग सांगितले
या युक्तीची सार्थकता स्पष्ट झाल्यासारखे वाटते की पहिले किया है और फिर बोले है, फिर बताया है लोगों को, दूसरों को। तो ये जो है ये सब संतों के यहाँ पे एग्जाम्पल देकर, संत नामदेव हो, संत एकनाथ, राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज, फिर संत गाड़गे महाराज है, फिर बाबा आमटे है, तो इन्होंने पहले किया है और फिर सबको, बाकी सब समाज के लोगों को मैसेज दिया है कि ऐसा करना है आपको, और या एडवाइस दिया है, लेकिन पहले खुद करके उन्होंने एक दूसरों को बताया है। तो ये इस फोर्थ इसका ये ऐसे एग्जाम्पल देकर आपको आंसर लिखना। अब ये फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकने हैं अधिक परिणामकारक असते हे विधान स्वानुभवातून स्पष्ट करा। तर हा प्रश्न पण महत्वाचा आहे, हा प्रश्न पण येतो परीक्षेला। प्रश्नाचा अर्थ काय आहे की प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकणे मीन्स क्या, कि जो खुद हमें खुद एक्सपीरियंस लेकर कुछ सीखना है तो ये ज्यादा इफेक्टिव होता है, या ऐसे जब हम सीखते हैं खुद एक्सपीरियंस लेकर तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये जो है ये सेंटेंस, ये आपको एक्सप्लेन करना है कि आपका खुद का एक्सपीरियंस वहां पे लिखना है, स्वानुभवातून स्पष्ट करा। तो देखो यहाँ पे आंसर, शिकवणे आणि शिकणे ही प्रक्रिया निरंतर चालणारी आहे। आपले गुरुजन आपणास शिकवण्याचे काम करत असतात। आजच्या शिक्षण प्रणालीत शिक्षक वर्गात फळ्यावर जरी प्रत्येक गणित सोडवून देत असले तरी विद्यार्थ्यांनी तीच गणिते पुन्हा घरी जाऊन सोडवली तर त्यातून मिळणारा स्वानुभव हा परीक्षेत चांगले गुण मिळवून देऊ शकतो। तो यहाँ पे क्या दिया है कि जो है ये पढ़ना और पढ़ाना, ये जो है ये प्रक्रिया ये कैसे चलती रहने वाली है, और जो है आपके टीचर्स आपको पढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे भी मैथ्स का ही एग्जाम्पल दिया है कि मैथ्स जो है वो टीचर तो वो सॉल्व करके वो बताते हैं, लेकिन जब आप खुद करोगे और वही उसकी प्रैक्टिस आप खुद घर जाकर करोगे तो जो वो सॉल्व किए हुए जो आंसर्स आते हैं तो आपने वो खुद सॉल्व किए तो जो आपका एक्सपीरियंस होगा, तो एक्सपीरियंस वो इम्पोर्टेंट है और उसी वजह से आपको एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि तो आपने वो खुद आपको पता चला है और खुद आप अपने वो सॉल्व करके उसका एक्सपीरियंस लिया है। स्वानुभव मतलब क्या कि स्व अनुभव, खुद लिया हुआ एक्सपीरियंस। तो ये जो है ये स्वानुभव हाँ परीक्षित चांगले गुण मिळवून देऊ शकतो। सेकंड पैराग्राफ देखो, विज्ञान प्रदर्शनात गुरुजनांच्या मार्गदर्शनाखाली एखादा प्रयोग, एखादी प्रतिकृती तयार केली तर ती बनवत असताना आलेला अनुभव हाच प्रदर्शनात परीक्षकांच्या पुढे उत्तर देताना धाडस निर्माण करून देतो। याच अनुभवातून विद्यार्थी परीक्षकांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देताना अडखळत नाही, त्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वासही वाढलेला दिसून येतो। यावरून असे लक्षात येते की कोणतेही काम एखाद्याने सांगितल्यावर त्याप्रमाणे कृती करून पूर्ण करणे व पुन्हा तेच काम कोणाचेही मार्गदर्शन न घेता स्वतः करणे यातील अनुभव म्हणजेच खरा स्वानुभव होय असे म्हटले पाहिजे। शिवाय असे शिक्षण अधिक परिणामकारक असते। तो यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा है कि जो सायन्स एग्जिबिशन होता है, विज्ञान प्रदर्शन म्हणजे काय, सायन्स एग्जिबिशन, तो जो टीचर्स है वो गाइडेंस तो करते हैं, लेकिन हम खुद जब ऐसा कुछ मॉडल बनाते हैं, खुद कुछ जो है वो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं उस एग्जिबिशन में, तो जो भी हमारे वहाँ पे जो परीक्षक आते हैं, जो एग्जामिनर आते हैं, तो क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्वेश्चन देते वक्त हमें वो कॉन्फिडेंस हो आता है जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद बनाया हुआ है तो इसलिए उनको क्वेश्चन देना इजी हो जाता है। और ये ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं वो क्वेश्चन देते वक्त ऐसे कुछ मतलब उनको ये नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, वो खुद वो सब एक्सप्लेन कर सकते हैं, त्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास ही वाढलेला दिसून येतो। इस वजह से क्या होता है, उनको खुद को भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं। अभी देखो साइंस एग्जीबिशन वगैरह होते हैं स्कूल में, तो वहां पे टीचर्स ने सिर्फ वो करके दिया है और वहां रखा,
तो स्टूडेंट वो आंसर नहीं दे सकेगा, क्योंकि वो उसके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं ज्यादा, लेकिन वो खुद उसने उस कुछ बनाया है, कुछ मॉडल बनाया है साइंस का, या कुछ प्रैक्टिकल वो खुद करके वहां पे वो दिखा रहा है, तो उसे वो जो एक्सपीरियंस है वो इम्पोर्टेंट है। फिर चाहे जो भी कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो आंसर दे सकता है वो स्टूडेंट, तो वो जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस उसे वो आता है, क्योंकि उसने वो खुद किया है, तो उस खुद वो मॉडल बनाया है, खुद वो प्रैक्टिकल वहां पे किया है, तो उसे वो आंसर देने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। या वरुण असे लक्षात येते, कोणतेही काम एखाद्याने सांगितल्यावर त्याप्रमाणे कृती करून पूर्ण करणे व पुन्हा तेच काम कोणाचेही मार्गदर्शन न घेता स्वतः करणे, यातील अनुभव म्हणजेच खरा स्वानुभव होय, असे म्हटलं पाहिजे। तो यहाँ लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है कि ये सब जो है, यहाँ पे एग्जांपल दिया, फर्स्ट पैराग्राफ में मैथ्स का एग्जांपल दिया, सेकंड पैराग्राफ में साइंस एग्जीबिशन का एग्जांपल दिया, तो ये जो एग्जांपल दोनों दिए हैं इससे ऐसे ही समझ में आता है कि कौन सा भी काम है वो जब हम खुद करते हैं, खुद उसका एक्सपीरियंस लेते हैं, तो वो जो है वो एक्सपीरियंस इम्पोर्टेंट होता है, और फिर वही काम जो है हम किसी के हेल्प के बिना या किसी के गाइडेंस के बिना वो करते हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस आता है तो उसे स्वानुभव कहते हैं, तो खुद खुद किया हुआ जो है वो एक्सपीरियंस है। तो ये ऐसा जो जो भी हम ऐसा एजुकेशन लेते हैं वो ज्यादा परिणाम कारक होता है, इफेक्टिव होता है, क्यों? क्योंकि हमने वो खुद किया है, खुद वो सॉल्व किया है, खुद वो रियलाइज करके हमने वो किया है, किसी के हेल्प के बिना, किसी के गाइडेंस के बिना, वो खुद हमने वो काम किया है, तो इसलिए ऐसा जो है कि खुद जब हम वो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस लेते हैं, तो ऐसा जब हम कुछ सीखते हैं, नया कुछ सीखते हैं, तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। ये देखो दूसरे टीचर्स बोलते हैं वो, और खुद आप जब वो करेंगे तो वो ज्यादा आपको ज्यादा इफेक्टिव कौन सा लगेगा, जब आपने वो खुद किया हो तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो यही यहाँ पे एग्जाम्पल को बताया गया है कि प्रत्यक्ष अनुभव तो सीखने ही अधिक परिणाम कारक, जब आप खुद जो एक्सपीरियंस लेकर जब आप पढ़ोगे तब आपको ज्यादा आपको इफेक्टिव होगा, क्योंकि आपको समझ में आया है, इसलिए आपने उसको सॉल्व किया है। सॉरी, तो वही जो है वो ज्यादा ऐसा जब पढ़ते हैं आप, ऐसा जब एजुकेशन लेते हो तो ज्यादा इफेक्टिव होती है। लास्ट क्वेश्चन देखो, कोणतेही काम कमी दर्जाचे न मानता ते करायची सवय ठेवली तर मोठी कामे करताना अडचणी येत नाही, याबद्दल तुमचे मत लिहा। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन की कौन सा भी काम हो उसे कम नहीं मानना है, कि वो कम ये नहीं है, तो वो ऐसी जो है हमारी ये आदत जब होती है तो जो बड़े काम हम करते हैं तो कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आते, तो इसकी ये जो सेंटेंस है तो इसके आपका ओपिनियन क्या है, इस सेंटेंस के इससे आपका ओपिनियन क्या है वो लिखना है। कोणते ही काम लहान व मोठे नसते, आपण जर त्या कामाला सकारात्मक विचाराने स्वीकारून फक्त ते काम करण्यास सुरुवात जर केली तर ते काम अर्धे अधिक पूर्ण झालेच म्हणून समजा, राहिलेले अर्धे काम काम करण्यास सुरुवात करताच पूर्ण होत जाते। कोणतेही काम लहान व कमी दर्जाचे आहे असे मानून ते कधीही डावू नये, कारण कोणतेच काम कमी दर्जाचे नसते, ते आपल्या करण्यावर अवलंबून असते। तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है कि कौन सा भी काम हो उस काम काम है, छोटा बड़ा ऐसे नहीं होता है, और उस काम को जब हम स्टार्ट करते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, सकारात्मक विचार, मतलब क्या कि हमारी सोच जो है वो पॉजिटिव रखनी चाहिए और फिर वो काम शुरुआत करना चाहिए, तो उससे ही पहले ही ऐसे जब हम सोचते हैं तो वहाँ आधा काम हमारा पूरा हुआ होता है, तो बाकी जो बचा हुआ काम है वो शुरुआत करने से पहले कि वो काम छोटा बड़ा वो नहीं मानना है, तो करना स्टार्ट करना है, और जो काम जो भी दिया गया है या जो दिख रहा है वो करना स्टार्ट करना है, तो ये जो है उसे कम नहीं मानना है, अपना करने वाला अवलंबन, वो काम हम कैसे करते हैं
तो उसके ऊपर वो डिपेंड होता है। वो काम छोटा है बड़ा है ये देखना जरूरी नहीं है। अपना सेकंड पैराग्राफ देखो, अपनास लहान सहान कामाची सतत सवय असली पाहिजे। ही कामे आपण अगदी लहान वयातच करायला शिकले पाहिजे। उदाहरणार्थ स्वतःचे कपडे स्वतः धुणे, फाटलेले कपडे स्वतः शिवणे, जेवताना स्वतःचे पान स्वतः वाढून घेणे, पिण्याच्या पाण्याचा तांब्या भरून घेणे, स्वतःच्या कपड्यांना इस्त्री करणे, स्वतःच्या बुटांना पॉलिश करणे, इत्यादी कामांची सवय जर आपणास लहानपणापासून असेल तर मोठेपणी जेव्हा घराची संपूर्ण जबाबदारी स्वतःवर येऊन पडते तेव्हा त्या कामांचे ओझे वाटत नाही, मोठी कामे अवघड वाटत नाहीत। सर्व प्रकारची कामे आपण सहज पूर्ण करू शकतो। अशा प्रकारच्या कामातून आनंद तर मिळतोच, पण मानसिक समाधानही मिळते ते वेगळेच। तर पुढे त्यांनी काय सांगितलं की जे छोटे मोठे काम आहेत ते आपण स्वतःच केले पाहिजे। जो भी काम है वो छोटे बड़े घर के काम हो या कौन सा भी काम हो, वो आपको खुद करना है। और यहाँ पे एग्जाम्पल दिए है कुछ काम के कि स्वतःचे कपड़े स्वतः धोने, मतलब आपके खुद के जो कपड़े हैं वो आप खुद को धोने हैं, या कुछ कपड़े फटे हैं तो वो सिलना भी वो आना चाहिए, वो स्टिचिंग करना। फिर खाना खाते वक्त जो है खुद की प्लेट खुद उठाना और धोना खुद की प्लेट, फिर पानी भर के लेना, या खुद के कपड़ों को खुद प्रेस करना है इस्त्री करना, या खुद के शूज को पॉलिश करना। तो ये खुद के काम जब हम खुद करने की जो ये आदत होती है वो बचपन से ही होनी चाहिए। तो ये आदत अगर बचपन से होगी तो आप जब बड़े हो जाओगे तो तब घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर जब आती है ऐसे एज में आप होते हो तो कौन सा भी काम हो आपको एकदम भारी नहीं लगेगा। तो काम जो है मोटी काम में अवघड़ वाटत नहीं। तो जो ये छोटे छोटे काम करने की आदत होगी तो बड़े काम करने की जो है वो कुछ हार्ड नहीं लगता है, तो काम भी इजी लगता है। तो ये ऐसे कौन सा भी काम हो सर्व प्रकार के काम में अपन सहज पूर्ण कर सकते। तो कौन सा भी काम हो छोटा हो बड़ा हो तो काम करने की अगर आदत होगी तो ये जो आदत होनी चाहिए ये इम्पोर्टेंट है। और वो आदत होगी तो हम ये काम सब जो है इजीली कर सकते हैं। तो ये ऐसे जो काम से वो काम करने के बाद हमें जो खुशी मिलती है वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा प्रकार से कामातून जो आनंद मिलतो तो आनंद जो है तो मानसिक समाधान मिलते थे वेगे। और जो हमारा मन का जो समाधान होता है कि सेटिस्फेक्शन कि हाँ ये काम मैंने खुद किया है। अभी आप ही देखो कि आप अभी घर पे कुछ ऐसा काम करते हो तो आपको खुद को सेटिस्फेक्शन होता है कि मैंने मेरी माँ की हेल्प की है, या मैंने ये काम किया, क्या कुछ भी नया कुछ किया है, या घर का रोज का ही काम हो वो किया है तो भी आपको एक जो सेटिस्फेक्शन मिलती है कि नहीं मैंने कुछ किया है, और वो जो खुशी होती है वो सेटिस्फेक्शन होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो यही सब जो है यहाँ पे ये जो है एग्जाम्पल देकर कि क्या कौन से काम है। अभी डेली जो है डेली रूटीन के ये सब काम है, एक खुद के कपड़े धोना हो या प्लेट उठाना हो या इस्त्री करना हो, तो ये सब खुद के काम है। तो ये खुद आपको करने चाहिए। खुद जब आप करोगे तो सेटिस्फेक्शन जो मिलती है वो इम्पोर्टेंट है। तो यही यहाँ पे लिखना है कि कौन सा भी काम जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता है, वो काम करना शुरुआत करनी है और वो खुद उस काम को करने की जो है वो आपको जो है आदत रखनी है। कोणतेही काम कमी दर्जाचे न मानता ते करायची सवय ठेवली तर मोठी कामे करताना अडचणी येत नाही। तो ये जब हम कोण सा भी छोटा काम हो वो करने की हमें आदत होती है तो बड़े काम करने में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आते। अभी हमें डायरेक्ट कौन सा भी बड़ा काम दिया है तो हमें कुछ काम करने की आदत ही नहीं होगी तो हम बड़ा काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमने कुछ काम ही नहीं किया है, छोटा काम भी नहीं किया है, तो बड़ा काम कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसलिए ये छोटे छोटे जो काम है जो डेली आपकी लाइफ के जो है डेली रूटीन के जो काम है वो जब आप करोगे तभी आप कुछ बड़ा काम आगे जाकर कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर यहाँ पे फिनिश हुए हैं। वहां मैंने आपको जो बताया शॉर्ट नोट बार को डॉक्टर होमी बाबा ये इम्पोर्टेंट है, और जो प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकने ये जो क्वेश्चन था वो इम्पोर्टेंट है। तो किसी को कुछ डाउट है
लेसन अभी स्कूल वाचन ये जो है ये फिनिश हुआ है, स्कूल वाचन।